पार्ट नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी एक कुएं के लिए गड्ढा खोदना है। जैसे मान लो अपन ने एक सिलेंड्रिकल एक कुआ बनाया, ठीक है, इस कुएं के अंदर मैंने ये पॉइंट लिया है यहां से यहां, ये जीरो है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये पॉइंट सी मान लिया। अब ये है 1 मीटर, फिर ये ए से बी है, ये भी 1 मीटर, बी से सी है, ये भी 1 मीटर। तो ऐसे में अगर बंदा जीरो से ए तक खोदेगा, इतना डिगिंग करेगा, तो कितने रुपीज लेगा? 150। लेकिन अगर फिर ए से बी और खुदवाएंगे तो ऐसे में सिर्फ 50 रुपए राइज करेगा, यानी प्लस के 50 लेगा। तो अगर मैं कहूं कि मुझे ए से जीरो से बी तक खुदवाना है, तो आप लोग क्या कहोगे, कितने रुपए लगेंगे? 150 तो ए तक के लग गए, और ए से बी वाले 50 अलग से लगे, यानी कि 200 लगे। अगर मैं सी तक खुदवाऊंगा तो इसका अलग से 50 रुपए चार्ज और लगेगा। बस शुरुआत में हमें जीरो से ए के लिए ये होता है। तो यहां पर हमें पता लग रहा है कि ये अगर पहली सिचुएशन है तो फर्स्ट केस यानी कि A1 150 हो जाएगा, और 50-50 बढ़ रहा है ये डी हो जाएगा। तो कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट डिगिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 150, ठीक है, कितनी है 150। एंड आगे कह रहा है कि राइज इज चार्ज इज इक्वल टू 50, देन ऑर्डर ऑफ टर्म्स, टर्म का क्या ऑर्डर रहेगा, 150, फिर 50 ऐड कर दूं तो 200, फिर 250, फिर 250 50 ऐड करूं तो 300, यही तो रहेगा, है ना, और आगे डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो अपन कह देंगे हेयर A1 आपका रहा 150, A2 रहा 200, देन A3 रहेगा 250, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या निकला, A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 आपका है जी 200, माइनस A1 कितना है 150, सोल्व किया कितना आ गया 50, यानी D 50 आ रहा है। यहां पर और दिखा देते हैं, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू ये वाली यानी 250, माइनस A2 की वैल्यू ये वाली यानी 200, तो ये आ गया 50। तो यहां पर भी D क्या आ रहा है, सेम, यहां पर भी सेम, तो यहां पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एपी सिचुएशन, ठीक है, एपी है ये, यही आपको चेक करना था। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की।